पहला लेते हैं गिल्लो। गिल्लो को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? काउंटेड। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गिनो कितने लोग हैं, गिनो कितने लोग हैं। काउंट हाउ मैनी पीपल आर देयर, काउंट हाउ मैनी पीपल आर देयर। अगला लेते हैं थूक दो। थूक दो के लिए स्पेटेड, थूक दो स्पेटेड। हमें सड़क पर नहीं थूकना चाहिए, हमें नहीं थूकना चाहिए। वी शुड नॉट स्पेट सड़क पर, ऑन द रोड। वी शुड नॉट स्पेट ऑन द रोड। हमें सड़क पर नहीं थूकना चाहिए। अगला है लिख लो। लिख लो के लिए राइट इट, लिख लो राइट इट। ये वाक अभी के अभी लिख लो। राइट दीज सेंटेंसेस राइट नाउ, राइट दी सेंटेंसेस राइट नाउ। ये वाक्य अभी के अभी लिख लो। वैसे भी आपको ये सेंटेंसेस लिख लेने चाहिए। अगला है पीस लो। पीस लो को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ग्राइंड इट। पीस लो ग्राइंड इट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसे महीन पीस लो, महीन, इसे महीन पीस लो। ओके, तो ग्राइंड इट फाइनली, इसे महीन पीस लो। अगला है गाड़ दो। गाड़ दो के लिए दफना दो भी यूज करते हैं, तो गाड़ दो दफना दो जैसे भी आप समझो। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? बरी इट, बरी इट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसे वहां गाड़ दो, बरी इट देयर, बरी इट देयर। उसे वहां गाड़ दो, इसे वहां गाड़ दो। अगला उदाहरण, इसे 5 फीट गहरा गाड़ दो, इसे 5 फीट गहरा गाड़ दो। तो बरी इट 5 फीट डीप, बरी इट 5 फीट डीप। अगला है खोद दो। खोद दो के लिए डिगेट यूज करेंगे, डिगेट खोद दो। उदाहरण लेते हैं इसका। यह खाई 150 मीटर गहरी खोदी गई है। ये थोड़ा लंबा जा रहा है, आपको घबराना नहीं है। यह खाई इसका हो जाएगा दिस डिच, दिस डिच। खोदी गई हैज़ बीन डग, खोदी गई हैज़ बीन डग। 150 मीटर गहरी, तो 150 मीटर्स डीप। दिस डिच हैज़ बीन डग 150 मीटर्स डीप। अगला है छेद कर दो। छेद कर दो जब आपको अंग्रेजी में बोलना हो तो किस तरीके से बोलोगे? मेक अ होल, मेक अ होल। छेद कर दो, मेक अ होल। इसका उदाहरण देखते हैं। आपने इसमें छेद क्यों किया, आपने इसमें छेद क्यों किया। वाई डिड यू मेक अ होल इन इट, वाई डिड यू मेक अ होल इन इट। आपने इसमें छेद क्यों किया, वाई डिड यू मेक अ होल इन इट। अगला है छान लो। छान लो अलग अलग कंडीशन में यूज किया जाएगा, जैसे सूखे पदार्थ छानने के लिए अलग वर्ड यूज किया जाएगा और तरल पदार्थ छानने के लिए वो अलग यूज किया जाएगा। तो पहले सूखे पदार्थ छानने के लिए देख लेते हैं। सूखे पदार्थ जब छाने तो वहां पर सिफ्टेड का प्रयोग करेंगे, छान लो सिफ्टेड। इसका उदाहरण देखते हैं, आसान हो जाएगा। आपने आटा छाना या नहीं, आपने आटा छाना या नहीं। आप ये पूछ रहे हो कि आपने आटा छाना या नहीं छाना अभी, तो उस सेंस में सूखा पदार्थ है, सूखे पदार्थ छानने के लिए सिफ्ट का प्रयोग करते हैं। मतलब आपने आटा छाना या नहीं छाना पूछ रहे हैं आप। ओके, अब तरल पदार्थ की कंडीशन बनेगी, वहां पर स्ट्रेन इट का प्रयोग करेंगे। तरल पदार्थ छानने के लिए स्ट्रेन इट। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, आसान हो जाएगा। चाय को छान कर ले जाओ, चाय को छान कर ले जाओ। स्ट्रेन द टी एंड टेक इट अवे, स्ट्रेन द टी एंड टेक इट अवे। चाय को छान कर ले जाओ, स्ट्रेन द टी एंड टेक इट अवे। अब अगला है इकट्ठा करो। इकट्ठा करो के लिए गैदर इट, इकट्ठा करो गैदर इट। इसका उदाहरण देखते हैं। यह दान के लिए इकट्ठा किया गया है, यह दान के लिए इकट्ठा किया गया है। इट हैज़ बीन कलेक्टेड, यह इकट्ठा किया गया है फॉर चैरिटी, दान के लिए। इट हैज़ बीन कलेक्टेड फॉर चैरिटी, यह दान के लिए इकट्ठा किया गया है। अगला लेते हैं फोड़ दो। फोड़ दो बर्स्ट इट, बर्स्ट इट। फोड़ दो बर्स्ट इट। इसका उदाहरण देखते हैं। मैंने गुब्बारा नहीं फोड़ा, मैंने गुब्बारा नहीं फोड़ा। आई डिडेंट बर्स्ट द बलून, आई डिडेंट बर्स्ट द बलून। मैंने गुब्बारा नहीं फोड़ा। और इसको प्लूरल में करें कि मैंने गुब्बारे नहीं फोड़े, बिल्कुल ईजी, बलून्स हो जाएगा। आई डिडेंट बर्स्ट द बलून्स, मैंने गुब्बारे नहीं फोड़े। अब अगला लेते हैं लगा दो। लगा दो पुट इट, लगा दो अलग कंडीशन है, एक लगा दो अप्लाई है। ओके, तो मैं अभी इस समय पुट इट समझा रहा हूँ। लगा दो पुट इट। पर्दे लगा दो पुट द कर्टन्स। और
पुट का प्रयोग डालने के भी सेंस में होता है, ओके? तो एक डालने के सेंस में भी देख लेते हैं। पुट इट, डाल दो, मेरी जेब में डाल दो, पुट इट इंटू माई पॉकेट, पुट इट इंटू माई पॉकेट, मेरी जेब में डाल दो। अगला है रख दो, रख दो के लिए कीप इट यूज़ करेंगे, रख दो, कीप इट। उदाहरण देखते हैं, इसे मेज पर रख दो, कीप इट ऑन द टेबल, कीप इट ऑन द टेबल, इसे मेज पर रख दो। अगला है गिव इट, गिव इट दे दो, गिव इट दे दो, मेरे भाई को दे दो, गिव इट टू माई ब्रदर, गिव इट टू माई ब्रदर, मेरे भाई को दे दो। अगला है ले लो, ले लो टेक इट, ले लो टेक इट, इसका उदाहरण देखते हैं, मेरे पिताजी से ले लो, मेरे पिताजी से ले लो, टेक इट फ्रॉम माई फादर, टेक इट फ्रॉम माई फादर। विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।